17,500 का स्टॉप लॉस देके निफ्टी फ्यूचर यहाँ पर बाइंग कर सकते हैं। रिस्क रिवॉर्ड इज एक्सट्रीमली फेवरेबल। अगर आपको पुट के साथ हेज करना है तो वो भी एक बार कर सकते हैं। और मुझे लगता है यहाँ से अगर टर्न होगा तो फिर से एक बार 17,900 18,000 तक तो हम इमीडिएटली नेक्स्ट हफ्ते तक जा सकते हैं। सिमिलरली बैंक निफ्टी में भी 40,300 का स्टॉप लॉस देके बाइंग कर सकते हैं। बैंक निफ्टी 41,200 तक जा सकता है। तो दोनों में रिस्क रिवॉर्ड काफी फेवरेबल है। एक लॉन्ग ट्रेड यहाँ पर दोनों इंडेक्स में बनता है यहाँ पर। और ये इंट्राडे ही होगा सर? नहीं, ये पोजिशनल है। पोजिशनल आपको कैरी करना है। हम देखेंगे क्लोजिंग। देखिए ये एनालिस्ट और ट्रेडर के बीच में वही फर्क है। मैं यहाँ पर एंट्री ट्रेड ले लूंगा लेकिन मैं पोजिशन रिव्यू करूंगा 3:15 को। अगर मुझे लगता है कि हाँ ये बाउंस बैक सस्टेन कर गया, चांसेस आर वेरी हाई कि ये बाउंस बैक सस्टेन करेगा। अगर ये बाउंस बैक सस्टेन कर गया और मेरे लिए हुए लेवल से 200 पॉइंट ऊपर बंद हो गया बैंक निफ्टी, तो डेफिनेटली मैं उसको कैरी कर लूंगा। तो वो रिव्यू करना पड़ेगा 3:15 को कि कैरी करना है कि नहीं। लेकिन पर्सपेक्टिव जो है वो अगले हफ्ते तक का है। ठीक है, तो अगले हफ्ते तक का पर्सपेक्टिव है कैरी करना है कि नहीं करना है, लेकिन आज की क्लोजिंग, लेकिन एक यहाँ से बाउंस बैक आता हुआ दिख रहा है और ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। और उस अपॉर्चुनिटी को किस तरीके से एनकैश करना है, कैसे उसका फायदा उठाना है, ये बता रहे हैं सौम्यदीप सर। ठीक है।